गरीबी झेल सकते हो लेकिन बीमारी नहीं झेल सकते, है ना। बीमारी तो फिजिकल फिटनेस एक ऐसी चीज है जो लाइफ की, जो हमारी जिंदगी की जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत और जो अंत है, वो फिजिकल फिटनेस पे ही डिपेंड करता है। अब जैसे जो बेसिक सप्लीमेंट है इंडस्ट्री में से वो है वे प्रोटीन, जो मतलब जो बिगनर भी होता है और या अगर कोई वर्कआउट नहीं भी करता है तो मेरी रिसर्च के हिसाब से एक नॉर्मल बंदा कि वो एक स्कूप ले सकता है, क्योंकि उसमें 24, 25 या 26 या मतलब 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन इंटेक होता है एक स्कूप में। तो वो बनाया ही दूध से जाता है, तो जब दूध से बनाई हुई चीज़ को हम लोग पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो वो कुछ गलत नहीं है। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग एक पॉडकास्ट शूट करेंगे जिसका टॉपिक होने वाला है कि इंडियन पेरेंट्स आज की फिटनेस जनरेशन को लेके क्या सोचते हैं और जो न्यू जनरेशन है उनको अपने पेरेंट्स से क्या कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम होती है जिससे वो लोग अपने पेरेंट्स तक उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं ताकि वो लोग इस फिटनेस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकें, और पेरेंट्स की क्या राय है आज की फिटनेस इंडस्ट्री को लेके, और वो एक 15-16 साल के लड़के को जिम जाने से क्यों मना करते हैं, ये सब आज हम लोग कवर करने वाले हैं आज के पॉडकास्ट में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि किसी और से अच्छा अपने ही पेरेंट्स में से किसी एक को लिया जाए इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि मैंने भी 16 साल की एज में ही इस फिटनेस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने का सोचा था और उस टाइम मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट किया था और आज मैं जिम कर रहा हूँ। तो मुझे होम वर्कआउट स्टार्ट करे हुए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सो मेरे डैड से भी ये पूछेंगे कि उन्होंने मुझे इस फिटनेस जर्नी में किस तरह से सपोर्ट किया और मैंने अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनसे किस तरह से डिस्कस की और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को कैसे समझा। तो आप लोग इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए और देखते हैं कि इंडियन पेरेंट्स हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। तो वेलकम डैड मेरे चैनल पे। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है वो मेनली जो यंग जनरेशन है 16-17 ईयर्स की, जो मेनली टीनेजर हैं जो अभी फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं। और मुझसे भी काफ़ी लोग जिम में ये पूछते रहते हैं कि यार मेरे पापा मान नहीं रहे, इस वजह से उनसे छुप के जिम कर रहे हैं और मम्मी नहीं समझती, यार ये प्रॉब्लम जनरेशन गैप की जो भी रहती है। तो मेन टॉपिक आज का ये रहेगा। बाकी आप अपने बारे में बताइए कि मतलब आपने आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है और आप अभी क्या कर रहे हैं। सो टॉपिक तो अच्छा है कि फिटनेस को लेकर के पेरेंट्स क्या सोचते हैं और ये सारी चीज़ों के ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे इस पर हम, बट हाँ थोड़ा सा जर्नी है छोटी सी हमारी, शायद पता ही होगा, एक छोटा सा गांव है हमारा कानपुर देहात में जो यूपी में पढ़ता है, वहाँ से पढ़े लिखे जो प्राइमरी एजुकेशन हुई हमारी सरस्वती शिशु मंदिर करके एक ब्रांचेज चलते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे उसके, वहाँ से हमारी प्राइमरी एजुकेशन हुई 8th तक हुई, फिर पास के कस्बे में ही राजपुर में ही हमारा एक इंटर कॉलेज था, वहाँ से मैंने 10th करी, उसको भारतीय विद्यापीठ इंटर कॉलेज बोलते हैं। इसके बाद 11th करने के लिए कोई साइंस का ऐसा इंटर कॉलेज था नहीं, वहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे पढ़ता था, एक बुधौली नाम की जगह है जो सिकंदरा के पास है, शायद वहाँ नहीं जा पाए लेकिन पिताजी थोड़ा सा अवेयर थे कि बच्चों की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, यानी आपके ग्रैंडफादर, तो उन्होंने मुझे एक गाँव में हॉस्टल इटावा डिस्ट्रिक्ट में, शायद उस वक्त अभी तो औरैया डिस्ट्रिक्ट में आ गया, शायद उस वक्त वो इटावा डिस्ट्रिक्ट में आता था, सुंदर सिंह इंटर कॉलेज करके था, बड़ा उसका नाम था, एक डीप इंटीरियर में, एक जहाँ पे हॉस्टल की एजुकेशन थी, हॉस्टल में रहना था बच्चों को, वहाँ से मैंने 12th करा। इसके बाद 12th करने के बाद फिर ये हुआ कि उस वक्त यही होता था कि ग्रेजुएशन करना है या लोग CPMT जो आजकल नीट बोलते हैं जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बायो था तो फिर लोग आते थे कानपुर या लखनऊ जैसे शहरों में अपनी कोचिंग करने के लिए जिन्होंने मैथ से किया था, तो वो इंटर के बाद 12th करने के बाद IIT और BTech की तैयारी करने इंजीनियरिंग के लिए, और या जो बायो से थे वो लोग तैयारी करते थे कि हमें चलो MBBS की तैयारी करना है, बट उस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव होता था शहर में भेजना और गांव के लोगों को तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था, बट एट द सेम टाइम 12th में मेरा कुछ इशू हो गया, वो मार्कशीट जो है ना, मैं अब्सेंट हो गया, मेरी मार्कशीट जो आई और मेरा जो आगे का बच्चा था रोल नंबर चेंज हो गया, जो भी रीज़न रहा उस वक्त, तो वो प्रेजेंट हो गया जो अब्सेंट था और मैं अब्सेंट हो गया, तो उसमें मुझे काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी, इलाहाबाद बोर्ड के चक्कर लगाने पड़े, कुछ लोगों की हेल्प ली, खैर
कुछ समय बाद हमें अपनी मार्कशीट प्रॉपर मिली, उस वक्त हैंडमेड मिलती थी तो वही मुझे मिली, आज भी मेरे पास रखी हुई है। तो उस चक्कर में मेरा ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं हो पाया। देन आफ्टर फिर कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज मिला नहीं बीएससी करने के लिए बायो से, तो उस वक्त कानपुर देहात में एक जगह पड़ती बरौर, बरौर में एक नया डिग्री कॉलेज ओपन हुआ था, पटेल विद्यापीठ महाविद्यालय बोलते हैं उसको। तो पटेल विद्यापीठ महाविद्यालय में नए बैचेज चल रहे थे, तो जो छूटे या बहुत जो बीएससी करना चाहते थे, कुछ लोग गैपिंग थी जिनकी, ऐसे करीब 50-60 लोगों के वहाँ एडमिशन हुए जो आसपास के, तो दो तीन सेक्शनों में बैठे होंगे मुझे लगता है 30-30, 32-32 बायो ग्रुप में थे, 30-32 लड़के या स्टूडेंट उसमें भी थे आपके मैथ ग्रुप में। चार कमरों का एक कॉलेज था, एक नया स्टार्टअप था, चूँकि इंटर कॉलेज का बरौर के इंटर कॉलेज का बड़ा नाम था, वहाँ से एक दो आईएएस भी निकले थे। अच्छा। कानपुर देहात में बरौर इंटर कॉलेज का जो नाम था, और एक बुधौली का उधर, और पोखरा में ऐसे तीन चार जो मेरे आसपास जहां हम लोग रहते हैं अपना गांव है, वहां तीन चार इंटर कॉलेज का बड़ा नामी ग्रामी थे, उसमें से बरौर आता था। उसी से शायद इंस्पायर होकर के वहां के लोगों ने एक डिग्री कॉलेज 95 में, मैंने ट्वेल्थ करा था 95 में, और टेंथ मैंने 93 में किया था, 1993 में। टेंथ की बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं, मुझे लगता है जो मेरी एज के लोग हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छा। उस वक्त क्या था ना, नकल का बड़ा जमाना था, बड़ा हुआ था कि लोग नकल करते हैं, नकल करते हैं और नकल से पास होते हैं। तो इमीडिएट गवर्नमेंट चेंज हुई और पॉलिटिकल कुछ एनवायरनमेंट चेंज हुआ, तो कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने यूपी के। जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एजुकेशन पे बड़ा टाइट कर दिया और एक अध्यादेश जारी किया था कि नकल बिल्कुल नहीं होगी, नकल विरोधी कानून वो लाए 92 में। तो मैं उस वक्त नाइन्थ में था, तो 92 में जब नकल विरोधी कानून चला, तो उसमें मैं बताऊं कि आज के ज़माने में पता नहीं लोग इमेजिन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चप्पल पहन के जाना, जूते नहीं पहन जा सकते हैं आप, शूज मोजे नहीं पहन जा सकते हैं, चीटिंग ना हो पाए। हाँ, कोई बिल्कुल इतनी सर्चिंग होती, क्योंकि उस जमाने में इतनी चीटिंग होती थी, लोग दो साल में, चार साल में, छह साल में हाई स्कूल करते थे और चीटिंग के लिए लोग दीवारों पे चढ़ते रहते। अभी भी कुछ सीन देखने को मिल जाते हैं, दिखता है न्यूज़ पे। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज का जमाना है, मिल जाते हैं, लेकिन मैंने तो उस वक्त देखा था। तो उस वक्त इतना स्टिक कर दिया आपके प्रशासन ने और कल्याण सिंह ने कि दो साल, जो मुझे याद है अपना जो 93 में जब मैंने हाई स्कूल, तो मेरे क्लास में भारतीय विद्यापीठ में आई थिंक 100 या 150 बच्चे रहे होंगे टेंथ में, और मेरे ख्याल से हार्डली 16% 30-32 बच्चे पास हुए थे। और उस वक्त परसेंटेज का बड़ा इशू हुआ करता था कि अगर 60% आ गए तो फर्स्ट क्लास बड़ा बहुत ज़रा बहुत अच्छा क्लासी और होता भी होगा शायद, क्योंकि उस वक्त एजुकेशन का ऐसा मेथड रहा होगा, 60% तो बहुत मायने रखते थे। अब यार हम लोग सेकेंड डिवीजन हुए तो बड़ी अच्छी मानी जाती थी, 33% से पासिंग मार्क्स शुरू होती थी उसको। अच्छा। यूपी बोर्ड में थर्ड डिवीजन बोलते थे, 33-44। हाँ, तो उसको जो है ना, जिसके 44 और 33 के बीच में रहेंगे वो थर्ड डिवीजन है, और 45 से 59 तक, 59 तक सेकेंड डिवीजन मानी जाती थी, और 60 से और जो ऊपर होते थे फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए, और 75 से जब एवम मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में आते थे उसको एक्सटेंशन बोलते थे कि बहुत अच्छा मतलब किया हुआ। तो एक ऐसा मापदंड बना हुआ था, शायद आज भी चलता होगा, मुझे बहुत एग्जैक्ट तो नहीं पता है यूपी बोर्ड के बारे में, क्योंकि काफ़ी दिन से गैपिंग हो गई है। तो जब 93 में हमने करी तो वो एक दौर देखा, तो खैर ठीक थे पढ़ने में और सेकेंड डिवीजन में पास भी हुए टेंथ में उस ज़माने में। तो मेरे अपने गांव में अगर मैं वैना की बात करूं तो 44 लड़के स्टूडेंट्स हम लोग हुआ करते थे, मेरे ख्याल से 43 फेल थे, मैं अकेला पास था। अच्छा। तो जब मैं गांव में निकलता था ना, तो जब अगले दिन उस वक्त ना रिजल्ट उसमें आते थे पेपर में। अच्छा। अब कानपुर से शहर में पेपर छपते थे, यूपी बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी, पेपर में रिजल्ट आया, तो फिर उसको लेकर के रात में 2-2.5 बजे 3 बजे लड़के जो है ना इंतजार करते रहते थे कस्बों में कि अब पेपर आएगा उसमें रिजल्ट होगा। तो कुछ लोग बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके पेपर खरीदते थे, तो फिर वो उसको जो है ना 5-10 रुपये में रिजल्ट बताया करते थे कि आप अपना रोल नंबर बताओ, 5-10 रुपये में रिजल्ट बताया करते थे। तो इस तरीके का एक माहौल जिया है हमने, अगला इससे पहले भी लोगों ने जिया है, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं है ये भी अगर बात करें तो। वहाँ से पढ़ते पढ़ाते फिर पटेल विद्यापीठ महाविद्यालय में बैक अपने उस पर आता हूँ, चूँकि थोड़ा सा ट्रैक से डाइवर्ट हो गया था मैं। मैं 93 में चला गया था, क्योंकि एक ऐसा एपिसोड था कि वो बहुत लोगों को याद होगा, उसमें बहुत लोगों ने सीखा और एजुकेशन में यूपी में खासकर उसमें बड़ा बदलाव किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब कहीं नहीं हुआ एडमिशन तो फिर पटेल विद्यापीठ महाविद्यालय में हुआ,
और वहाँ से मैंने हमारा जो सब्जेक्ट थे बायो ग्रुप था मेरा ट्वेल्थ में, तो उस वक्त जूलॉजी केमिस्ट्री और बॉटनी, यानी बायो में जूलॉजी केमिस्ट्री एक साथ रहती है, उस वक्त रहती थी, तो जूलॉजी और केमिस्ट्री फिर बायफारगेट सब्जेक्ट हो जाते थे, और जूलॉजी और बॉटनी हो गया और प्लस केमिस्ट्री हो गया, मैथ के जो स्टूडेंट होते थे उनके लिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री हो जाता था, ऐसे करके ग्रुप चलते थे। और पहले भी यही शायद माना जाता था, आज भी लोग यही मानते हैं कि साइंस साइड मतलब बहुत बड़ी साइड मानी जाती, साइंस पढ़ रहा है बच्चा, आर्ट के स्टूडेंट्स को आज भी उतनी तवज्जो नहीं देते, अब मैं शहरों में मे भी अब तो एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो गया है, लेकिन उस जमाने में इवन मेरी अपनी फीलिंग ये हुआ करती थी कि जो मेरे साथ के बच्चे एवरेज हुआ करते थे पढ़ने में, और हम जितने भी लोग साइंस लिए हुए थे नाइन्थ में, नाइन्थ के बाद ही समझ में आता है, तो ऐसा लगता था यार ये जो है ना इनका कोई ग्रेड नहीं है, और मतलब हमारे अपनी मैं पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, या यूथ सोसाइटी में ऐसा बनाया गया था जिसमें हम पले बड़े थे, लोग उसी से समझते थे। एनीवे खैर जैसे तैसे हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ 98 में, मुझे लगता लंबा हो रहा है मेरे ही अपने बारे में, लेकिन एक ऐसा मौका एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे जो हमारी एज के लोग होंगे को रिलेट कर पाएंगे, मे बी एक्सपीरियंसेस अलग होंगे लेकिन कनेक्ट कर पाएंगे, और बच्चों के लिए तुम्हारी एज के बच्चों के लिए जानना जरूरी कि हाँ क्या क्या होता था उस वक्त। तो इसके बाद फिर आती है एक्चुअल जर्नी शुरू होती है जब आप छोटे से शहर में गांव में आते हैं कुछ रोजगार ढूंढना है, क्योंकि वहाँ होता है क्या ना, आपने टेंथ करी आर्मी में चले जाओ, आपने टेंथ कर ली ट्वेल्थ कर ली पुलिस में जॉब लगा, और पुलिस में लग गया तो उसका मतलब बहुत लाइफ है आर्मी में चले गए, थॉट प्रोसेस ही नहीं जाता, और कैपेबिलिटी नहीं होती थी लोगों की, ऐसा नहीं है कि थॉट प्रोसेस ना हो, कुछ लोग निकल के आए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे वो निकल गए, लेकिन बैकअप नहीं होता था, फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं होता था कि उनको यहाँ अगर कोई शहर में आके बीएससी करे, किसान की उस वक्त ना अर्निंग पहले थी मुझे लगता ना आज भी है इतनी, है ना, फार्मर है जो कि फादर हमारे ग्रैंड फादर तुम्हारे तो फादर ही फादर फार्मर ही है, तो किसान की इतनी अर्निंग नहीं होती थी कि वो शहर में रख करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके और कोई अच्छी हायर एजुकेशन दे सके। फिर ये घर से प्रेशर आ गया कि नहीं भाई अब तो बहुत एज हो रही है और एजुकेशन करवा दिया गया है, अब आप जो है कुछ रोजगार ढूंढ लो, नहीं तो घर आ जाओगे, और घर आ जाएंगे तो घर का माहौल तो मैं जानते ही था कि घर जाऊँगा तो खेती बाड़ी, और उस वक्त बड़ी खेती होती थी अपने आप, कच्चा पेठा बोलते हैं इसको, जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज उसको कुमेड़ा बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है, आगरे में पेठे का बड़ा काम होता है, कानपुर में भी बड़ा पेठे का काम होता है, सबसे बड़ी मंडी पेठे की ना आगरे में है, तो कच्चा पेठा की खेती होने लगी थी अपने यहाँ, तो हम लोग बच्चे ही थे जब ट्वेल्थ या बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे थे, मेरे ख्याल से 20-21 साल उम्र होती, तो छुट्टियों में जब गांव में जाते थे, एक तो त्योहारों में जाते थे, स्कूल कॉलेज से जाते थे, या जनरली समर छुट्टियां चल रही हैं उस वक्त जाते थे, जब भी ऐसा कोई सीजन आता तो खेती का किसानी में, हालांकि मेरे पिताजी ने मुझसे कभी कोई काम नहीं कराया, लेकिन ये जनरल कॉन्सेप्ट था कि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो आकर के लगभग रूटीन में माँ बाप के साथ सारा काम करते थे खेती बाड़ी का, अगर उस पीरियड में अगर आ गए हो, तो हमने भी कई बार ऐसा किया कि वहाँ क्या ना 5-5 किलो 10-10 किलो 20-20 बड़े साइज के व्हाइट कलर के आगने का देखो खेतों में अभी मिल जाते हैं, अगर कभी निकलते हो तो तुमने तो देखे होंगे, और लोग जो सिटी में है शायद उन्होंने ना देखा हो कच्चा पेठा, उसको कुमेड़ा बोलते हैं, और अगर झारखंड बिहार में चले जाओ तो बहुत बड़ा पंपकिन टाइप का होता है, पंपकिन साइज बड़ा साइज का होता है, तो पेठा कच्चा पेठा उसको जो है बनाया जाता है, उसको उठा करके खेतों से साइड में रखना बड़ा मेहनत का काम होता था, मैंने कहा जिंदगी में हो सकता है खेती किसानी करनी पड़े, या उस वक्त ये खेती किसानी कोई बुरी चीज़ नहीं है, 60-70% इंडियंस डिपेंडेंट है खेती किसानी पे, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन वो जो लाइफ का सोचने का देखने का नतीजा, कोई कितना भी बड़ा लेक्चर दे दे लेकिन किसानी या खेती करना कोई नहीं चाहता, सही बात, कितना भी एक्सपोजर दे दे कि मैं ये कि खेत भगवान किसान भगवान है ये है, लेकिन ऐसा कुछ फैक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, वो जो किसान का बेटा है उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या किसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है जो खाने पाने का तरीका है वो, हाँ ये बात सच है कि चीजें ओरिजिनल खाता है वो, उसको मस्टर्ड ऐड मिलेगा ना तो वो घर में बनाया हुआ मिलेगा, वो खुद का बनाया हुआ तो वो उसको मिलावटी काम नहीं मिलेगा, अगर गेहूं खाएगा आटा खाएगा तो उसका एकदम ओरिजिनल होगा, दाल आएगा जैसे तुम देख सकते हो कि दादी तुम्हारी जब बनाती तो घर में दाल बनाई जाती है जो हम लोग लाते हैं, या राइस होंगे तो अपने घर के खेत होंगे, कितना मतलब हर चीज जो खाने की सब्जियां हैं जो मतलब साफ सुथरी होती हैं, तो खाने उससे इम्यूनिटी बड़ी स्ट्रांग होती है गांव वालों की, वो शहर में लोग लैक करते हैं, तो ऐसे करके धीरे धीरे जो है हम जॉब ढूंढने लगे, सर्च करने लगे, और तो ये लगा कि कुछ मिल जाए नहीं तो फिर गांव जाना पड़ेगा, ऐसी कोई खास एजुकेशन थी नहीं, एक पता चला कि एक मार्केटिंग में
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कुछ होता है करके कुछ जानने वाले टच में आए जब सीनियर्स ने हमारा, उनका आप इंटरव्यू देना शुरू करिए। जब मैं गया तो पता लगा इंग्लिश का बड़ा वो झंझट है हिंदी मीडियम से। मैं तो एक कोर्स की बहु कोर्स की में पढ़ा था, मैंने बीएससी किया था और यूनिसेलर बाई सेलर तो मतलब मल्टी सेलर तो बाद में जाना। उन्होंने कहा जो है कोशिका को सेल कहते हैं, ये चीजें हमने ग्रेजुएशन में आके सीखी। मतलब ज्यादातर जो कभी कभी होशियार लोग मिल जाते थे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, ऐसे क्वेश्चन मुझे आज भी ये क्वेश्चन याद है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, तो नहीं पता होता था। अगर कोई पूछे कि यार शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है तो हम तुरंत बताते थे कोशिका, लेकिन सेल नहीं पता। व्हाट इज, अच्छा अच्छा ग्रेजुएशन हो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, तो क्या पता नहीं। अच्छा कोशिका सेल, अच्छा सेल को कोशिका बोलते हैं, हाँ वो दौर था। तो सेल एक जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बॉडी में बोली जाती है। इस तरीके से एजुकेशन से कर कर आके फिर धीरे से फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक ब्रेक मिला मुझे 98 दिसंबर में। नाम नहीं लूंगा मैं कंपनी का, बट आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। और अंग्रेजी को पढ़ना सीखना, जो उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनीज के होते हैं उनको अडॉप्ट करना, मार्केटिंग करना, करते करते जो है ना एक डेढ़ साल गुजरा। फिर होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कोई मिली तो मैं चला गया झारखंड। रांची एक बड़ी फेमस जगह है, तो रांची में रहा करीब 7 ईयर्स, 2001 से लेकर के 2007 दिसंबर तक मैं वहाँ रहा। फिर उसी कंपनी में हमें प्रमोशन मिला, एज ए फर्स्ट लाइन प्रमोट हुआ वहाँ मैं 2004 में, उसी में मैं एज ए सेकेंड लाइन प्रमोट हुआ। फिर होम टाउन मैंने मांगा तो कंपनी ने मुझे कानपुर ट्रांसफर भी कर दिया। ऐसे जर्नी चलते चलते चेंज करते हुए आज भी मैं एक बड़ी रिनाउंड कंपनी में नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स हेड करता हूँ और चल रहा है एक लाइफ तुम लोगों को भी दे रहा हूँ। तो शॉर्ट तो नहीं कहूँगा, थोड़ा लंबा कर दिया मैंने। पहली अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी ऐसा कुछ बोलने का और अपने बेटे के सामने मिले तो बहुत जाहिर सी बात है थोड़ा हेजिटेशन तो है, बट दिल का गुबार है जो निकाल रहे हैं। मैं भी बहुत कम ऐसे जो है फादर पिता और पुत्र होते हैं या फादर और जो है सन का ऐसा इंटरेक्शन रेयरली होता होगा जो करते होंगे। Exactly. हाँ तो बहुत रेयरली होता, तो ये जर्नी थी। पता तो तुम्हें ही, हम लोग घर में डिस्कस करते रहते हैं लेकिन लोग वाकई कनेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें याद करेंगे अगर ऐसा है, कुछ लोग सुनते हैं जानते हैं। तो उसी में चला आ रहा है। तो रेस्ट कम टू द टॉपिक, तो जो कि टॉपिक पे तो बात ही नहीं करी हमने। मैं ऐसा था, ऐसा लगा जैसे मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं उस पर कोई डिस्कशन कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, हर बच्चे के लिए इतना मैं जानता हूँ, जैसे मेरे फादर वाकई किसान है लेकिन मेरे लिए सेलिब्रिटी हुआ करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो है ना हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और आज भी ऐसा फील होता है कि मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं अपने फादर से डिस्कस करूंगा। फादर का जो मतलब पापा भी नहीं बोलते हैं गाँव में, बापू बोलते थे, बाबूजी बोलते थे, लेकिन हम अपने फादर को तुम्हें तो पता ही चाचा बोलते हैं। बिकॉज गाँव में एक कल्चर है जो बहुत कम लोग जानते हैं, तो जानते भी होंगे मैं भी, घर में जो बच्चे फर्स्ट जो बच्चे पैदा होते, जैसे हमारे ताऊ जी थे उनके बेटे जो हुए, तो वो जिस नाम से मेरे फादर को पुकारेंगे, यानी मेरे फादर मेरे ताऊ जी के बेटे अंकल हुए, चाचा हुए, तो वो चाचा कहने लगे। तो फिर अगर हम लोग बाद में जब हम पैदा हुए तो फिर वो चाचा के नाम से ही हो गए, तो मतलब हम अपने चाचा को या मेरे ताऊ जी के बेटे जो हैं वो मेरे ताऊ जी को भैया बोलते, बिकॉज हमारी बुआ उनको भैया बोलती थी। तो जब मेरे भैया आए ताऊ जी के बेटे, तो बुआ घर में थी, शादी नहीं हुई थी, बुआ भैया बोलती थी, वो ऐसा चल जाता था कि भैया भैया चलने लगा, तो मैं चाचा बोलता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था और आज भी मैं फील करता हूँ कि फादर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है और वो हर चीज़ का सलूशन होते हैं। तो इट इज़ अ गुड इंटरेक्शन, मुझे अच्छा लगा, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। करने को तो बहुत बातें हैं और जाने कितने पेरेंट्स हैं इस दुनिया में, कितना कहना चाहते हैं, यानी कितने बच्चे हैं जो कितना पूछना चाहते हैं। और मैं अप्रिशिएट करूँगा तुम्हारे इस स्टेप को कि, और कॉन्ग्रेचुलेट भी करूँगा कि इस तरीके का स्टेप उठाया तुमने। स्टोरी मायने नहीं रखती है, बिल्कुल है ना, मायने रखता है उठाया हुआ कदम, जो मैंने अपना 23-24 साल का जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि हाँ एक स्टेप कहीं से निकल करके सक्सेस, पैसा, दीज आर द सेकेंडरी चीज। अगर आप छोटे से अमाउंट में हैप्पी हैं, आपकी फैमिली खुश है, आप बहुत कठिन दौर में भी आपकी फैमिली खुश है, तो आपसे बड़ा सुकून में रहने वाला कोई आदमी नहीं है। कहने को कोई कुछ भी कहता रहे, अप्स एंड डाउन्स मैंने भी लाइफ में बहुत देखे, ऐसा नहीं होता है, फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं आदमी को, मेंटली डिस्टर्बेंस होता है, फैमिली चैलेंजेस भी आते हैं और पर्सनल फैमिली में भी चैलेंजेस आते हैं, हस्बैंड वाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं। लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ों को, लेकिन अगर एक बार आप एक्सेप्ट करो उसको ढंग से करो तो जीवन आसान होता चला जाता है। सक्सेस, पैसा, लोग अक्सर
जो अपने सोसाइटी का वो कल्चर है कि ना, ना, ना अगर पैसा है तो सक्सेस है, ये ऐसा है, नहीं। हाँ ये झूठ है, ये फैक्ट तो नहीं है, ये फैक्ट नहीं। हाँ लोग लेकिन इतना बोलते हैं कि वो आज की जनरेशन को फैक्ट ही लगता है, पैसा होगा तो ही पावर है, तो ही पावर है। और खैर ये बात सच भी है कि पैसे से पावर तो खरीदा जा सकता है, पैसा है तो आप पावर फुल माने जाते हैं और शक्ति की पूजा शुरू से होती थी जो पावरफुल है, लेकिन बना जा सकता है। लेकिन सुकून से जीने के लिए तो ऐसा नहीं कि उसी के पीछे भागा जाए, लाइफ किसी भी तरीके से जी जा सके। सो अब आते हैं टॉपिक पे, नहीं तो ये कभी फिर बैठेंगे किसी दिन तो डिस्कशन करेंगे। तो मतलब अब टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब अच्छी जर्नी थी, शायद आप लोग कनेक्ट कर पाए होंगे। मतलब मेरे डैड की एज के जो लोग हैं वो लोग शायद इस चीज़ से कनेक्ट कर पाए। और बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो मेरे से रिलेटेड है कि आपको मेरे अंदर ऐसा क्या दिखा जब मतलब मैंने फिटनेस में किस तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, आपको क्या लगा कि फिटनेस मुझे इस तरह से अट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि दादाजी भी मुझे बोलते रहते थे कि मतलब जो इंसान का शरीर होता है वही सब कुछ होता है, मतलब अगर वो शरीर से सही नहीं होगा तो वो एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता है। पहला सुख निरोगी का है, तो मतलब अगर आप लोग किसी मतलब ऐसी प्रॉब्लम से फिजिकली नहीं सही हो तो आप मेंटली भी नहीं उसका सामना कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो उसको शायद मैंने याद रखा और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश। तो आपको कैसे लगा कि मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा हूँ फिटनेस को लेकर के? जैसे अभी तुमने छोटा सा वाक सेंटेंस यूज किया, पहला सुख निरोगी का है। मुझे याद है जब होश संभाला तो पिताजी हमारे, भगवान उनको लंबी उम्र दे, अभी स्वस्थ हैं, जिंदा हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हैं हार्ट वर्ट की, लेकिन फिट हैं, गांव में रहें। तो वो हमेशा कहते थे, एक बड़ा मुझे पूरा याद तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। जैसे पहला सुख निरोगी काया उन्होंने बताया, तो वो अपने एक उदाहरण देखिए, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, है ना, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी, ऐसे कुछ सात सुखों का उन्होंने वर्णन किया था। उसमें मैं छोटा सा याद आ रहा है कि जैसे पड़ोसी भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसमें लेकिन बहुत रेयरली ऐसे कम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन हाँ एक फैक्ट तो बात है कि पहला सुख निरोगी का या जिंदगी में अगर आदमी फिजिकली फिटनेस नहीं है तो फिर वो कुछ कर नहीं सकता। फिजिकल फिटनेस अगर आप एजुकेशन में हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, आप बिजनेस में हैं या मतलब कोई भी एरिया लाइफ में, सबसे इम्पोर्टेंट, आप गरीबी झेल सकते हो लेकिन बीमारी नहीं झेल सकते, है ना, बीमारी है। तो फिजिकल फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ की, जो हमारी जिंदगी की जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत और जो अंत है, वो फिजिकल फिटनेस पे ही डिपेंड करता है। अगर स्ट्रॉन्ग फिटनेस, स्ट्रॉन्ग स्टेमिना नहीं है, देखो जिसके पास स्ट्रॉन्ग स्टेमिना होगी वो कोई भी काम करेगा। जैसे देश का प्रधानमंत्री है सपोज करो, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। यूपी का या किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, अगर वो फिजिकली फिट नहीं है तो वो डिसीजन बहुत अच्छे नहीं ले पाएगा। ये एकदम फैक्ट, और मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, इसके जो है ना साइंस जो या मनोवैज्ञानिक डॉक्टर्स बोलते हैं, जो कि इंटरेक्शन होता रहता है, तो उनके आधार पर या हमारे पुराणों में या वेदों में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारी संस्कृति में ये चीज़ें आती हैं, या किसी भी धर्म में, मैं किसी पर्टिकुलर धर्म की रिलीजन की बात भी नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में ऐसा होता है कि नहीं फिजिकल तो फिटनेस होना चाहिए। उसके लिए पहले योग होते थे, और आज के डेट में भी देख रहे हो योग का, मोदी जी ने और बाबा रामदेव जी की कृपा से तो अब तो योग दिवस पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। और पिताजी हमारे जो है ना सूर्य नमस्कार हमको सिखाया करते थे, तो शायद हमसे पहले ही रहा होगा या मेरे समय में था, एक चैप्टर भी था सूर्य नमस्कार का उसमें। तो फिजिकल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट, तो एक तो ये है, दूसरा कैसे लगा हमें, और मुझे लग रहा है कि शायद 9th या 10th में तुम रहे हो, एग्जैक्ट अगर मैं याद कर पा रहा हूँ तो, चूंकि थोड़ा पार्टिसिपेट करता था, मैं भी म्यूजिकल पार्टिसिपेट किया था अपने से, तो थोड़ा मेरा भी लगाव ऐसा था जब तुम लोगों ने स्टार्ट किया, जैसे हमारा भतीजा वीरू हमारे साथ था, तो उसमें जब म्यूजिक में गया, ड्रमिंग करने लगा, मैंने 7th क्लास में देखा था कि बहुत अच्छा ड्रम बजाता है वो, फर्स्ट टाइम या 6th में रहे होंगे, जब मैं गया तो उनका, नहीं अंकल मैं ड्रम बजाता हूँ, मुझे सीखना है। तो चिंटल्स स्कूल में जब मैंने देखा उसको, सर PTM में गए थे, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं इसको जाना चाहिए। ऐसा ही तुम्हारा था कि नहीं मुझे लगा म्यूजिक में जाएगा तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब देखा तुमने अपने एक बर्थडे में गिफ्ट मुझसे मांगा था कि मुझे डंबल चाहिए, देन आई रियलाइज किया कि क्या फिजिकल की तरफ इंटरेक्ट हुआ है कि क्या हुआ, तो शायद मंगा के भी दिए थे ऐसा कुछ। हाँ, एक फर्स्ट सेट था 20 kg के डंबल्स थे, जिसमें मतलब वो आज भी प्लेट्स रखी हुई है, उससे भाई मेरा यूज करता अभी।
हाँ तो वो शायद मैंने मंगाए, तो वो मुझे लगा कि नहीं फिजिकल फिट, तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आया, अच्छा जब आदमी गांव में रहता है, एक सेहत कल्चर में रहता है, तो एक परंपरागत बोलते हैं उसको ना, ट्रेडिशन चला आता है, उसको फॉलो करता है, उसको फॉलो करता है, लेकिन जब हम बाहर निकले तो कुछ चीजें चेंज भी करते हैं। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार ये चीज करनी चाहिए, तो फिर मैं मेंटली प्रिपेयर हो गया था कि जितना हो सकेगा जैसे भी हो सकेगा, अवेयरनेस तो है ना, और बहुत कुछ है इसमें करने को, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फिजिकली अगर अवेयरनेस है तो वो एक पीढ़ी के लिए नहीं जाती। अगर मान लीजिए सपोज करो कि फिजिकल फिटनेस में तुमने ध्यान दिया, तो भाई है तुम्हारा छोटा वो अटेंटिव हो गया, तुम्हारी मदर है वो अटेंटिव हो गई, हम भी अटेंटिव रहते हैं, तुम्हारे जानने वाले जो दोस्त यार सर्किल वैसा बन जाएगा, उनकी फैमिली अटेंटिव हो जाती है, सही बात है ना, और ऐसा होता है, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिटनेस होना चाहिए, और प्लस मुझे लगा तब कि जो है तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो दैट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे मैंने फिर शायद कभी तुमको इस चीज़ के लिए मना नहीं करा होगा। हाँ तो वही उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब आप सपोर्ट क्यों करते हो मुझे जिम करने के लिए, क्योंकि आज के पेरेंट्स ये तो चाह रहे हैं कि वो बच्चा अच्छा खाए और ये करे वो करे, बट वो जिम के लिए क्या डरते हैं कि मतलब जिम जाएगा तो किसी किसी को लगने लगता है कि उसका शरीर ज़्यादा ना बढ़ जाए या कोई अलग सप्लीमेंट ना लेने लगे ऐसा कुछ जो उसकी बॉडी में हार्मफुल हो थोड़ा सा, तो उसके लिए आपने मेरे पे कैसे मतलब विश्वास किया कि हाँ ये अपने हिसाब से करेगा, कैसे मतलब क्या इसके लिए? थोड़ा सा दो चीज़ों को मैं साथ में लेके चलूँगा, फिटनेस इससे पहले कि मैं तुम्हारे और जिम को लेकर के आऊँ, मैं फिटनेस को बताता हूँ ना, पहले जो मैंने अपने समय में देखा या मेरे से जो पहले की जनरेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा था, गांव में लोग पहले पहलवानी करते थे, और जब पहलवानी करते थे तो बहुत ज़्यादा घी खाते थे, कोई प्रोटीन पाउडर वो सब होता नहीं था, घी मतलब बहुत ज़्यादा खाते थे, दूध बहुत खाते थे और बड़ी कसरत करते थे, मतलब मैंने तो अपने सामने देखा है कि लोग आधा आधा किलो घी एक बार में या एक एक किलो घी एक बार में खा जाते हैं और पचा भी जाते हैं। अभी तुमको 250 ग्राम घी दे दिया जाए तो नहीं 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 तो मोशंस जो है इतने हो जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम ही गड़बड़ हो जाएगा। तो वो एक्सरसाइज किया करते थे, उसी हिसाब से वो दौड़ था, पहलवानी करते थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट विजेता होता था, कोई स्टेट विजेता हुआ करता था जैसे, और कोई कंट्री विजेता हो गया, या होते थे ना जैसे आजकल मिस्टर यूपी होता है या मिस्टर कानपुर होता है, बॉडी बिल्डिंग में होता है, तो उस वक्त पहलवानी में हुआ करते थे, तो वो एक कॉन्सेप्ट था। अभी क्या है ना, जब शहर में आप जर्नी करते हैं तो फिजिकल करने के लिए ना तो गांव का माहौल है ना कुछ है, ना इतनी सुविधाएं हैं यहाँ पे कि आप गाय का और भैंस का दूध और घी खा सकते हो, वो सब पॉसिबल नहीं होता है शहरों में, प्रोसेस्ड फूड ही रहता है, सारे प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, तो एक ये था कि नहीं मैं थोड़ा सा अवेयरनेस अपनी भी पैदा करूंगा क्या होगा, मैं कंसल्ट भी करता रहता हूँ कि प्रोटीन पाउडर्स को या उसमें कोई ऐसा तो नहीं है, और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि हो जाएगा, हाँ कहीं ना कहीं एक नज़र रहती है एक एज ए फादर या कितने भी माँ बाप होंगे, क्योंकि मुझे अवेयरनेस है वो एक अलग बात है, लेकिन एक डाउट रहता है कि बेटा जो है पता नहीं, कुछ लोग स्टेरॉइड वगैरह भी लेते हैं या जैसा भी है, अब क्या प्रोफेशन बोलता है वो तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर बच्चा इंटरेस्टेड है तो सपोर्ट करना चाहिए, और गलत और सही के फैसले लेने की उसको तभी जो है उसके दिमाग में क्षमता आएगी कैपेसिटी होगी जब वो कुछ करेगा, जब वो पहले से ही अगर उसको आप रोक दोगे ना 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 ये मत करो, जबकि हम भी एक्सपर्ट नहीं है उसके किसी भी चीज के, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और मैं उस पर एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं कि नहीं नहीं तुमको ये नहीं करना है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है, और लोगों की राय क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी जो अपनी ओपिनियन तुम्हारे बारे में रही कि नहीं ठीक है सही ट्रैक पे जा रहा है, कुछ डिसीजंस गलत भी लेगा तो दैट विल मेक यू अ गुड लेसन, तो मैं शायद हो सकता है कुछ अच्छा लेसन ही देगा या मुझे कुछ सीखने को देगा, तो ये एज सच आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्ट करना चाहिए मेरा अपना मानना है, हाँ बैलेंस करके और कंट्रोल करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आज के जो मतलब जनरेशन है वो फिटनेस को फॉलो करते हुए किधर गलत हो जाती है, मतलब जैसे आप मुझे देखते हो तो हम लोग की जो इंट्रैक्शन होती है वो मेनली अब इस टॉपिक्स पे होने लगी है कि हाँ क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, क्योंकि 3 साल मैंने शायद उतना मसल मास या ऐसी बॉडी नहीं बनाई है, बट मैंने काफ़ी नॉलेज गेन करने की कोशिश की है इस फील्ड में कि मतलब क्या चीज़ें गलत होती हैं क्या चीज़ सही होती है, क्योंकि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में हम लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं तो उसको भी हम लोग कम्प्लीटली गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि गेम की डिमांड ही स्टेरॉइड पे है, क्योंकि अगर एक नेचुरल बंदा उन
अननेचुरल लोगों के सामने खड़ा होगा तो वो तो अलग दिखेगा, फिर वो कम्पीट क्यों करेगा जब वो जीतने ही नहीं वाला है। तो हर एक एथलीट यही सोच के जाता है कि वो फर्स्ट आएगा, तो इस वजह से वो उसकी डिमांड होती है। बट अगर हम लोग को कम्पीट नहीं करना है तो वो स्टेरॉइड्स हम लोग को अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग उस लेवल तक जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि कि मतलब अगर हम लोग को मिस्टर इंडिया या ऐसा कुछ टाइटल चाहिए तो इस वजह से हम लोग स्टेरॉइड लेंगे, वरना उसका नीड नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। हाँ नहीं, ठीक कह रहा हूँ। और स्टेरॉइड एक्चुअली बेसिकली ये कह रहा है कि तो डॉक्टर की कंसल्ट होनी चाहिए, हाँ, जो उसके exactly. या उसके एक्सपर्ट हैं, अगर किस कहीं भी नीड भी है, मुझे नहीं पता कितना सच है या कितना सही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नीड है तो प्रॉपर अगर एक्सपर्ट की कंसल्ट ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ें, तो मुझे लगता है कि वो सही ट्रैक पे जाती होगी। और विदाउट नॉलेज, विदाउट अवेयरनेस, विदाउट एक्सपर्ट की मतलब हेल्प लिए हुए अगर कोई डिसीजन लेते तो टोटली रॉन्ग है भाई, तो आप गलत तो हार्म कर सकता है बॉडी को, नुकसान करेगा ही करेगा कोई भी चीज़ हो। और पहले भी बोला गया है कि गुरु जो है ना, जैसे गुरु परंपरा अपने यहाँ चली, तो एक ट्रेनर गुरु मतलब टीचर मतलब वो एक बहुत जरूरी है, चाहे वो एक्सपर्ट हो। अब स्टूडेंट ले रहे हैं तो स्टूडेंट के बारे में क्या नॉलेज है, क्या उसके साइड इफेक्ट है, क्या मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है उसका, क्या उसके साइड इफेक्ट है, तो पता होने चाहिए। तो वो तो जिसने स्टडी करी होगी उसका एक्सपर्टीज होगा वही कर पाएगा, वही गाइड कर पाएगा, वही गाइड कर पाएगा। तो अब जैसे स्टेरॉइड्स की हम लोगों ने बात की, अभी आते हैं हम लोग सप्लीमेंट्स पे, क्योंकि सप्लीमेंट्स को भी लोग ऐसा बोलते हैं कि पाउडर खा रहा है, अब उनको ये नहीं पता कि पाउडर में है क्या। अब जैसे जो बेसिक सप्लीमेंट है इंडस्ट्री में इसमें, वो है वे प्रोटीन की, मतलब जो बिगिनर भी होता है और या अगर कोई वर्कआउट नहीं भी करता है तो मेरी रिसर्च के हिसाब से एक नॉर्मल बंदा वो एक स्कूप ले सकता है, क्योंकि उसमें 24, 25 या 26 या मतलब 30 ग्राम के आसपास प्रोटीन इंटेक होता है एक स्कूप में। तो वो बनाया ही दूध से जाता है, तो जब दूध से बनाई हुई चीज़ को हम लोग पाउडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहते हैं दूध से तो वो काफ़ी अमाउंट में पीना पड़ जाएगा, जो हम लोग को हम लोग जो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकेंगे, तो इस वजह से हम लोग उस चीज़ को लेते हैं। तो प्रोटीन पाउडर्स और सप्लीमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हो? मतलब सप्लीमेंट्स जैसे वर्ड आप देख रहे हैं, सप्लीमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की आपको कमी तो नहीं है, लेकिन हाँ उसकी कमी ना हो, नीड के हिसाब से पूरी करें, हाँ भरपाई होती है, तो सप्लीमेंट्स में उसमें आते हैं। सप्लीमेंट्स के बारे में मेरा अपना मानना, बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों की क्या रहा है ये नहीं पता है, लेकिन जब डोज जो प्रॉपर फीडिंग चाहिए, अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या जिम जा रहा है कोई बच्चा, अगर उसको कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो जो फॉर्म में हाँ मिलेगी, जो मेरा अपना मानना जिस फॉर्म में मिले, चाहे वे प्रोटीन के फॉर्म में मिले या आपके प्रोटीन पाउडर के फॉर्म में मिले, जो भी आप बोलते हो आपकी लैंग्वेज में, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो बेसिक जो नीड है, अगर ऐसा कुछ खराब होता तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन होता, कंट्रोल होता गवर्नमेंट का। और छोटा सा उदाहरण दे दूं, मैं जिस फार्मा इंडस्ट्री में काम करता हूँ वहाँ तो अगर जनरल वीकनेस हुई तो वहाँ प्रोटीन पाउडर वैसे भी लिखे जाते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होगी या फिजिशियन होगा तो उसने देखा पेशेंट कमजोर है और उसके अंदर उन्होंने क्लियरली अगर देख लिया कि नहीं उसको प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट, तो जनरली लिख देते हैं, तो प्रोटीन पाउडर ऐसा नहीं है। और फिर दूसरी बात होती है कुछ चीज़ों का मिथ फैला हुआ है, वो एक्सपर्ट बता पाए ना, जैसे मैंने भी सुना था कि इसको लोग हजम नहीं कर पाते हैं, लूज मोशन, अरे हजम तो कोई भी चीज़ नहीं होती है। अगर मैं एक दिन उसका देख रहा था विराट कोहली का एक इंटरव्यू था, बड़ा छोटा सा मुझे वाक्या याद आ गया, तो कोई दिल्ली का बंदा इंटरव्यू ले रहा था कि भाई आपने तो छोले भटूरे तो कब से नहीं खाए होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी हम और उसका दिल्ली गया था दवा के छोले भटूरे खाए हम लोगों ने दोपहर में, लेकिन शाम को उसको जिम जा करके लेवल बंद कर दिया है ना। तो ये जिसको नॉलेज है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कौन क्या किस पे राय रखता है जब तक उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं नहीं बोल समझता हूँ कि उस पर कोई कमिटमेंट करना जो है वो करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। और दुनिया ना दो तीन लोगों के जो मेरा अपना मानना है, हम लोग बातें किया करते हैं कि दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं ज्ञानचंद्र टाइप के लोग है ना, और एक होते हैं हुकुमचंद टाइप के लोग, एक होते हैं रायचंद टाइप के लोग। ये पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे शायद किसी गुरु ने ही बताया होगा, तो ज्ञानचंद्र का है जिनको थोड़ी सी नॉलेज होती है और हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, अरे यार ये चीज़ ऐसी नहीं है वो, मतलब नॉलेज है उनको। और हुकुमचंद होते हैं कुछ सोसाइटी में ऐसे होते हैं कि बड़ा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, इन्हें हुक्म मतलब पानी दे दो, इधर दही दे दो, जो गाँव का कल्चर हुआ करता था हम लोग उनको हुकुमचंद बोलते थे। और कुछ
फ्रीक्वेंटली राय देते रहते हैं, मतलब उनको नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई भी टॉपिक उठा दिया तो कुछ तो वो राय चंद हो जाएंगे, तो मतलब उनको राय अपनी देनी है। मेरा अपना मानना है कि जब तक बहुत जो हम अपने विचार तो बता सकते हैं, अपनी ओपिनियन बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते बिना एक्सपर्ट के कि नहीं मुझे लगता है कि ये सही है, ऐसा नहीं कह सकते। एक्सपीरियंस के साथ हम जरूर बता सकते हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया है तो ये हुआ है, बट हम ये नहीं कह सकते ना दिस इज द टोटली यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये फैक्ट ऐसी चीजें हैं जो लोग समझे, मुझे लगता है। मैं ऐसे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट के बारे में अभी ये कह सकता हूँ कि अगर उनसे कोई देख रहा हूँ मैं 2-3 सालों में जो तुम्हारे साथ, तो मुझे तो ऐसे कुछ हार्म नहीं समझ में आया। डॉक्टर से भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ कभी कभी, तो ऐसा मुझे नहीं ऐसा लगा। और रेस्ट तो मैंने कहा ना, मैं हर बार यही यूज कर रहा हूँ कि एक्सपर्ट की राय तो मैं नहीं दे सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मे बी आई एम रॉन्ग, ये हो सकता है। और जो जनरेशन गैप की प्रॉब्लम आती है इस फील्ड में, कि मतलब क्लैशेस होते हैं थॉट्स के पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में, उन मतलब यंग जनरेशन में 17 साल का लड़का है वो जिम जाना चाहता है बट वो बता ही नहीं पा रहा है। वो शायद सही है कि मैं वे प्रोटीन ले रहा हूँ या जो भी उसको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करना है, बट वो अपने डैड को बताने से डरता है, और अगर वो छुप के लेता है तो भी उसको डर रहता है क्योंकि उसको पूरी नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में। क्योंकि मुझे जैसा फील हुआ है कि कभी जब नॉलेज नहीं थी तो आपने बोला था कि 18 इयर्स के हो जाओ तब ये स्टार्ट करना, तो मुझे इसका लॉजिक नहीं पता था कि क्यों 18 इयर्स के बाद, 18 इयर्स के बाद ऐसा क्या होगा, बट ये भी नहीं पता था कि 18 इयर्स के पहले लिया कहीं हार्म तो नहीं है, तो इस वजह से उस बात को मान लेना। तो वो चीज क्या मतलब क्लैशेस होते हैं, क्या सोचते हैं पेरेंट्स इसको लेके, बच्चों से किस तरह से उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए। ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है और ये सालों से चला आया है, सदियों से चला आया है। अगर इनको हम बात करें जनरेशन गैप, जैसे हमारी सोसाइटी है ये ग्रोइंग सोसाइटी है, और अगर हिंदी में बात प्रगतिशील समाज है ना, आगे बढ़ते रहना आगे बढ़ते रहना, तो चेंजेस बहुत आते हैं, मतलब साल दर साल चेंजेस आते रहते हैं। तो जो लोग जो पेरेंट्स अपने आप को चेंज कर लेते हैं है ना, तो इतना आसान काम नहीं है, मैं कह दे रहा हूँ लेकिन शायद मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन जो पेरेंट्स अपने आप को चेंज करते हैं या जो पेरेंट्स अपडेट रहते हैं, आज की लैंग्वेज में यूज करें ना, जैसे मोबाइल अपडेट कर देते हैं, कोई नया वर्जन आ गया किसी सॉफ्टवेयर का उसको अपडेट कर लो, तो जो पेरेंट्स अगर अपने आप को अपडेट रखेंगे किसी भी चीज को लेकर के, भाई ऐसा है ना पेरेंटिंग आज की डेट में बहुत टफ टास्क है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो जो मोबाइल आया है या इंटरनेट आया है, जो इस पे लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, कितना जबरदस्त यूज है, मिस यूज और यूज दोनों है। अब पेरेंट्स को अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अगर अपडेट नहीं है, तो वो कैसे बाइफर्गेट कर पाएगा। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि शहर में भी नहीं है लोग, आप वहीं भी लोग कनेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स अगर अपडेट नहीं है तो आप कैसे अपने बच्चों को जो है ना बाइफर्गेट करना सिखा पाओगे, दिस इज रॉन्ग वेबसाइट या दिस इज रॉन्ग, आप गेमिंग पे टाइम मत दो बेटा, आप इंटरनेट पे यूज कर रहे हो तो आप अपनी कोई चीज काम की चीज निकाल लो। जैसे मैंने देखा है कि लोग यूट्यूब से क्या क्या सीख जाते हैं, किसी को गिटार सीखना है, लोग भगवद गीता सीख जाते हैं, दूसरी लैंग्वेज सीख जाते हैं, मतलब कुछ भी। आज की डेट में एक ऐड आता था उनका, बहुत शायद तुम लोगों को नहीं देखा हो, तुम बहुत छोटे थे, 2-3 साल के रहोगे, 2 साल के, रिलायंस का एक मोबाइल आया था रिम, छोटा सा हैंडसेट था है ना, और छोटा सा हैंडसेट था और उस वक्त पंच लाइन थी उसकी, ऐड आता था वीरेंद्र सहवाग का, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो नई बात समझ में आती थी मुझे कि कर लो दुनिया मुट्ठी में क्या होती है। नाउ आई रियलाइज कि कर लो दुनिया मुट्ठी में ये मतलब, हाँ आज की डेट में आप कुछ भी ऐसे करो तो यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग, नॉलेज मिल जाती है, मैं उनको 70-80% सही भी मानता हूँ। तो ये नॉलेज अगर पेरेंट्स उसके बारे में अपडेट नहीं है, जैसे लैपटॉप है, हमारे जमाने में तो लैपटॉप बड़ी चीज हुआ करती थी, तो हमने तो देखा ही नहीं था। मैं जब प्रोफेशन में आ गया तो हमारे एक फ्रेंड सर्कल में था, उसने लैपटॉप ना 95,000 का लिया, और ये बात रही होगी 2002 या 2003 की, मैं बात मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी होगी या क्या होगी, 85 या 85 समथिंग 80,000 के करीब ऐसा लैपटॉप होता था, ऊपर स्टेटस सिंबल होता था भाई उसने लैपटॉप ले लिया। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो वो दौर देखा है जब मोबाइल आए थे, लेकिन देखा तो बहुत लोगों ने, लेकिन हमने जो फील किया है, लेकिन लैपटॉप होना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप लैपटॉप को यूज कर पा रहे हैं क्या। लैपटॉप देखो पैसे से कुछ भी खरीद सकता है, जिनके पास पैसा है ना, बहुत पैसा है, वो कुछ भी, गैजेट्स लेना एक अलग चीज नहीं, उनके बारे में नॉलेज
और ये भी यार हमें क्या करना नहीं करना है। मैं आज पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन छोटे छोटे अपना जो जो हमारे काम की चीजें वो कर ही लेता हूँ ना, मेल वेल करना हो या अब तो टेक्नोलॉजी के साथ कोशिश करता हूँ कि अपडेट रहूं। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन हाँ मेरा काम चलता है, हमें इतना पता। तुम तो अब लोग बड़े हो गए हो, ये तुम जो हमारी लोकल लैंग्वेज में है बाबेटे में चलता है तो इसको लोग हो सकता है मे भी उस तरीके से ले लें, लेकिन तुम हमारे यहाँ कहा जाता है लोग तो गालियां भी यूज करते हैं लेकिन वो यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे तो बाप बेटे को पता नहीं क्या बोल रहा है ना, ऐसे माहौल है वहाँ पे। और वो बुरा भी मानते बिकॉज़ ईच एंड एवरीबॉडी इज डूइंग दैट, है ना। वो बोलते हैं ना कि जैसे एक आदमी नंगा चला जाए समाज में लोग सब कोई उस तरफ देखने लगे, और कोई पक्षी उड़ रहा है बोलोगे घोड़ा नंगा जा रहा है या घोड़ा दौड़ रहा है बैल नंगा जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी में सारे लोग ऐसे होते हैं तो वो उस पर डिपेंड करता है। अब मैं भूल रहा हूँ कहाँ पे थे टॉपिक पे हम लोग थे, मैं खुद ही टॉपिक भूल गया, ये हाँ गैजेट्स अपडेट के बारे में। अपडेट तो क्या हुआ कि डिपेंड ये नहीं करता कि आप क्या ले लेते हैं, क्या चीजें हैं, होता है ना जिनके पास पैसा होता है सारी सुविधाएं हो जाती है, लेकिन आप उनका कैसे यूज करते हैं डिपेंड ये करता है। और पेरेंट्स की तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है भाई, गैजेट्स के बारे में नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। मुझे तो बहुत मुझे बच्चों ने सिखाया, मैं सीखता भी हूँ तो लोगों से सीखता हूँ, अपने छोटे वाले से सीखता हूँ, अभिनव से। कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीजें मैं मोबाइल में हूँ फंस जाता हूँ, कोई चीज कहाँ डाउनलोड हो गई तो किस फाइल में चली गई, होता है कुछ एज का फैक्टर भी होता है, कुछ इंटरेस्ट लेवल का भी होता है। हालांकि इतना आसान नहीं है बैलेंस बना के चलना, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चलना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ उसको ले जाने की। तो जनरेशन गैप जो मेन पॉइंट है तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है आज की डेट में वो टेक्नोलॉजी के साथ पेरेंट्स अपडेट नहीं है, जो मैं अपना मानता हूँ। कम्युनिकेशन गैप आता है ट्रेडिशन की वजह से, अरे हमारी पुरानी परंपरा है बेटी से ऐसे बात नहीं करना, बेटे से ऐसे बात नहीं करना, बेटे का ये दायरा है बेटी का ये दायरा है, तो वहां से कम्युनिकेशन लोग कितना भी बोले, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है कोई कुछ भी कहे कि ऐसा होता है लेकिन सारे लोगों की लगभग सोच वही होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और उसमें कुछ बच्चे फायदा भी उठा लेते हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ बच्चे उसका बेनिफिट उठा लेते हैं। बच्चे अगर फादर बहुत कोऑपरेटिव हो गए, बहुत खुले विचार के बोलते हैं ना, बड़े यार बड़े ओपन माइंडेड हैं, बड़े खुले विचार, तो उसके बच्चे मिसयूज भी कर लेते हैं, वो भी एक गलत चीज़ है। तो वो एक कंट्रोल सिस्टम तो होना चाहिए। देखो दुनिया ना जैसे एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसमें एक रेगुलेटर होता है या फैन लगा हुआ है, एक रेगुलेटर होता है ना, तो लाइफ में ना एक रेगुलेटर होना बहुत जरूरी है, है ना। अगर आप उसको रेगुलेट नहीं करोगे तो आपको स्पीड चाहिए तो आप बढ़ा लो 5 पॉइंट पे ले आओ, ठंडा लग रहा है तो आप उसको 1 पे ले आओ। तो लाइफ या आज़ादी या जनरेशन सब में ना एक रेगुलेटर की जो मैं मानता हूँ वो बहुत कंपलसरी है, वो रेगुलेट करने वाला तो आदमी चाहिए, मेरा अपना मानना। रही बात जिम की तरफ, तो फिटनेस का क्या है ना कि फिटनेस की कई कैटेगरी है, जिनके पास पैसा है तो अपने बच्चों को कुछ भी, उनके बच्चे को शौक लगा तो उन्होंने कहा चलो इतना, अब कहा है अपने जैसे छोटे शहर में, हम लोग कानपुर में रह रहे हैं, कानपुर में 1000 रुपये मंथली 1500 रुपये मंथली पे कई सारे जिम होंगे जो मुझे लगता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं कानपुर में कि 1000-1500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो एक तो सीधा कॉन्सेप्ट ये फाइनेंस से रिलेटेड है कि यार 1000-1500 रुपये में तो दूध आ जाएगा घर का, और ये जो है वहाँ जाके अपना क्या करेगा, एक्चुअली इसका कोई स्कोप नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, पढ़ लेगा तो घर में। डिपेंड ये करता है कि सबसे पहले कि जिम की तरफ जो पेरेंट्स नहीं जाने देते उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, है ना, सबसे पहले फाइनेंशियल कंडीशन आती है। दूसरा ये है कि उनके घर का माहौल कैसा है, अगर एजुकेटेड फैमिली है, प्रोफेसर हैं घर में, पढ़ाई वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो उनका फर्स्ट फोकस उसी तरफ जाएगा, या IAS हैं, IPS हैं, या कुछ भी मतलब हाई लेवल पे हैं, तो उनका फर्स्ट फोकस जाएगा कि यार ऐसा करो कि जो है नहीं नहीं पहले पढ़ाई पे ध्यान दो और इसमें आप टाइम बर्बाद करो, हो सकता है ये सही भी हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट लेवल बच्चे का वहाँ पे है तो मेरा अपना मानना है कि पेरेंट्स को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, उस पर सपोर्ट करें और बियॉन्ड द लिमिट जाके सपोर्ट करें। अगर आप कैपेबल नहीं है तो उसको उसी तरफ ले जाइए, मेरा अपना मानना यह है। और इसको तो मैं क्लियर कट डंके की चोट पे किसी के सामने इस पे मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास मेरे साथ में 1000 एग्जांपल ऐसे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम मेरे ख्याल से वो देखिए धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, MS धोनी को। MS धोनी 2003 में हम लोग एक कॉलोनी में रहते थे, AG कॉलोनी में रांची में, और उसी कॉलोनी में AG कॉलोनी में धोनी भी, उनके फादर पान सिंह धोनी अप्लाई है वहाँ पे रांची में, तो वो वहीं रहता था। मैंने पहली बार महेंद्र सिंह धोनी को खेलते हुए देखा था 2003 या 2 में,
शाम को एक एजी कॉलोनी का ग्राउंड था और शायद तुम्हें तो याद नहीं होगा, और मम्मी से पूछना मम्मी को याद होगा, एजी काली का जी कॉलोनी का ग्राउंड था। शाम को हम अपना वर्किंग करके वहाँ से घुसते थे तो लाइटिंग वाइटिंग लगा कर इनका पूरा ग्रुप बना लेता था। और ये जो बॉल होती है ना ग्रीन वाली कॉस्को की बॉल उसको बोलते हैं टेनिस बॉल, टेनिस बॉल बोलते हैं उसको, हाँ टेनिस बॉल से शायद वो लोग खेला करते थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, इतने बड़े बाल नहीं थे जो बहुत लंबे लगा, छोटे से करली टाइप के बाल थे। और मुझे आज भी याद है यहाँ पे एक घड़ी बंधी हुई थी बड़ी सी, और उसके वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स और जूते खुल गए, शायद जो भी आउट हो गया हो या कुछ लोग बोल रहे थे जीरो पे आउट हो गया, मुझे नहीं पता। तो हमने कहा यार ये झारखंड रणजी टीम का ओपनर बैट्समैन है और क्या नाम अच्छा प्लेयर है, तो तब मैंने वहाँ जाना तो नहीं जानते थे। फिर उसके बाद वो इंडिया ए टीम में आया तो हमारा इंटरेस्ट था, क्योंकि पेपर में तो नाम रणजी डालो के और सबके आते रहते थे, मेरी नज़र थी यार मेरा प्लेयर एक बगल में रहता है मेरे पास में। फिर कुछ समय बाद वो इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ, बांग्लादेश टीम गई थी, कहाँ गई थी अपने, हम लोग अरगोड़ा चौराहे पे रहते थे रांची पे, वो एजी कॉलोनी में रहते थे, हम लोग एजी कॉलोनी छोड़ करके अरगोड़ा चौराहे पे आके रहने लगे थे। अरगोड़ा चौराहा रांची का एक आउटर मार्केट है बेसिकली, और वहाँ से रास्ता एक एजी कॉलोनी की जाती है। तो जब उसका सिलेक्शन हुआ, तीन मैच खेल करके बांग्लादेश से आया, तो एक बावर्ची रेस्टोरेंट मुझे आज भी याद है, बावर्ची रेस्टोरेंट खुला हुआ था। और तुम्हारी उम्र हार्डली 2004 में कितने, हाँ, दो साल रहे होगा, 2002 है तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, दो साल का था। तो हमारे मोहल्ले में खुला था, तो और अभी नए नए थे तो एक था कि इतनी चलो नया रेस्टोरेंट खुला कुछ खा के आते हैं। तो उस वक्त मैंने सेकेंड हैंड इंडिका ले रखी थी, DLE आती थी उस वक्त, इंडिका DLE, उससे हम लोग वहाँ पे गए, थोड़ी सी 4-5 किलोमीटर की दूरी हुई हार्डली, शायद उतनी भी नहीं थी। और जैसे हम लोग खाना खा के निकले तब तक धोनी आ गया और कोई नहीं पहचान रहा था, कोई नहीं जैन, मुझे याद है हल्की सी गोल्डन कलर की जैन थी, चार लोग आए थे उसमें से, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन धोनी को मैं रिकॉग्नाइज कर रहा था क्योंकि खेलते देखता था। तो जब आया वो धोनी, जब वहाँ पे आया तो मैंने तुरंत उसको शेक हैंड करा, मैंने कहा धोनी जी हम बहुत फ़ैन हैं आपके, हमारे भतीजा वीरू था साथ में, बच्चा भी बड़ा फ़ैन है आपको, मैंने देखा पेपर में। तो लगभग मोस्ट ऑफली अगर रिकॉल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे धोनी जी, लेकिन इंसिडेंट तो बहुत बड़े स्टार और सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब उनको कोई नहीं जानता था। हम लोग लगभग 15-20 मिनट रेस्टोरेंट में खड़े रहे, मैंने वेटर को बोला, मैंने कहा जानते हो ये कौन है, कहा नहीं, मैंने कहा महेंद्र सिंह धोनी है जो इंडिया टीम में सिलेक्ट हुए हैं, बोला सर मुझे नहीं पता है। तब इनके काफ़ी बड़े लंबे बात थे और मैंने उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन लिया कि आप कौन हैं कहाँ से, मैंने बताया मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, और धोनी जी ने बताया, मैंने पूछा कि आप हैं नेक्स्ट जो सीरीज पाकिस्तान के साथ सीरीज होने वाली थी उसमें हैं कि नहीं, कह नहीं है मेरा कानपुर में भी मैच है, मैंने कहा नहीं मैं कीनन जमशेदपुर में देखूंगा। और फर्स्ट ऑटोग्राफ मेरे पास एक वो स्पाइरल पैड पड़ा रहता था, चूँकि मैं आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करता था, मोस्टली साथ एरिया मैनेजर हो गया था, स्पाइरल मैंने निकाला पड़ा रहता था हमेशा, इस बार मैंने कहा सर प्लीज़ जो है एक ऑटोग्राफ दे दी, उन्होंने कहा बेस्ट ऑफ लक, मुझे आज भी याद है, और MS धोनी, और शायद अभी मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ कहाँ पड़ा है, मैंने बड़ा संभाल के रखा है उसको, शायद सालों साल संभाल के रखा है। तो टॉपिक में ये बता रहा था कि लाइफ में कोई कुछ भी कहे और कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, जैसे आज हम आप बात कर रहे हैं हमें कोई नहीं जानता लेकिन चीज़ें लगभग वही हैं। मैंने श्रीमद् भगवद गीता को जो बड़े मंच पे बोलते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज है वो बहुत अच्छे से समझा पाते हैं, जो छोटे मंच पे बोलते हैं तो क्या वो अलग हटके बोलते हैं, नहीं है ना, जैसे बुक्स हैं आप लोग पढ़ते हैं सारे लोग वही पढ़ते हैं ना, उसी वजह से कोई जो है सुंदर पिचाई बन जाते हैं ना, वो गूगल के सीईओ बन जाते हैं और कुछ लोग क्रिमिनल बन जाते हैं, डिपेंड करता है कि उनका फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा रहा हो, और कुछ थोड़ा बहुत मैं डेस्टिनी भी मानता हूँ ऐसा है। तो जिम का जो टॉपिक तुम्हारा था उससे हट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे ऐसे याद आ जा रही है, मुझे लगता है कि लोगों को जानना जरूरी है और पेरेंट्स को जानना जरूरी है, तो जिम में सपोर्ट करना चाहिए, उस अगर पॉइंट की बात करें उसके नहीं, अगर आप सपोर्ट करें तो आप नॉलेज करें, अगर आपको नहीं पता तो नॉलेज करके आप अपने बच्चे को इंटरेस्ट की बात करें। जो धोनी का मैंने अभी एग्जांपल दिया, दिस इज अगर पिक्चर देखी तो इसलिए लोगों को ज़्यादा सामने होगी, लेकिन दिस इज रियल इंस्पिरेशन, क्योंकि फादर को लगा कि नहीं यार तुम रेलवे में नौकरी करो, फिर उसने लगा कि नहीं मुझे करना है करना है करना है, नाउ धोनी बिकम धोनी, एवरीबडी नोज है ना, एक फिर तो हमें मिलना मुश्किल हो गया उस आदमी से, आप जो कि आम आदमी रहा नहीं मिल भी नहीं सकते। एक और इंसिडेंट रहता है, चलो वो बाद में बताएंगे कभी, लेकिन ये मैं जहन में मेरे मतलब बसा हुआ है, उसने तुमसे मैंने जब सेकंड किया तो उसको गोदी में लिया दिव्यांशु को उसने, हाँ
इसको गोदी में लिया, इसको दो साल का था, लाड़ दुलार किया, चॉकलेट वगैरह ला के। हाँ मेरा एक, हाँ मेरा एक गांव का फ्रेंड आया हुआ था, स्वतंत्र नाम है उसका, आज भी वो गांव में रहता है। उसने जब हाथ मिलाया तो वो कह रहा यार मैंने भी उंगली छू ली थी धोनी की, क्योंकि धोनी के बारे में मैं इतना बता चुका था जब वो इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ था, इंडिया टीम में नहीं था वो, इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ था, मैं अपने कानपुर में आकर के दोस्तों को सब कुछ बता चुका था यार एक बड़ा अच्छा प्लेयर है हमारे मोहल्ले में रहता है, वो झारखंड रणजी टीम का प्लेयर है और इंडिया टीम में जल्दी आने वाला है और वो ए टीम खेलता है अभी, तो लोग मेरा माहौल उड़ाते थे क्योंकि उस वक्त इंडिया ए टीम का लाइव टेलीकास्ट भी आने लगा था, तो उसको मैं विकेट कीपिंग करते हुए दिखा था लोगों को, ये है महेंद्र सिंह धोनी, तो लोग कहते थे यार तुम रांची में क्या रहने लगे, तुम अपने खिलाड़ी की बड़ी बातें करने लगे, और ये कोइंसिडेंट था जो भी था, आज कितना बड़ा स्टार बना वो। तो ये एक मेमोरी है, बहुत अच्छी मेमोरी है, होता है कभी कभी ऐसा, तो इससे ही मतलब सीखने मिलता है कि ये सीखने मिलता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, गोल सेट अगर किया हुआ है तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अगर उनके उसके फादर को जैसा मूवी में दिखा था कि उसको उनको लगा कि इसको पढ़ाई में देना चाहिए, लेकिन जब उसने धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई तो उन्होंने उनके ही सपोर्ट की वजह से शायद वो इंडिया टीम में भी खेला, उस टाइम पे भी सपोर्ट किया उन्होंने। उनके भाई है नरेंद्र सिंह धोनी, हम जब लोग वहीं रोड़ा चौक में रहते थे तो वहाँ एक रामलीला मैदान दशहरे में होता था, तो आलम यह था कि धोनी जी का इतना नाम हो गया था कि नरेंद्र सिंह धोनी जी जो है ना चीफ गेस्ट बन के आते थे, तो जब आदमी ग्रो करता है तो अकेले ग्रो नहीं करता है, उसकी फैमिली ग्रो करती है, मतलब उसके जितने भी नियर एंड डियर वंस होते हैं, जितने रिलेटिव होते हैं, एवरीबॉडी ग्रो करता है, उनको एक पहचान मिलती है। नेक्स्ट तो अभी इसी पॉडकास्ट को ऑलमोस्ट यहाँ पे करते हैं एंड, तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि इस जनरेशन को ऐसा मतलब एक टॉपिक, एक चीज ऐसी, एक एडवाइस ऐसी बता दीजिए आप कि डिप्रेस्ड जो रहती है जनरेशन, मतलब सो कॉल्ड डिप्रेस्ड भी, कि मतलब उनको लगता है कि वो डिप्रेस्ड है बट वो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एक लाइफ का एक जरा सा पार्ट है जिसमें उनको लगने लगता है कि वो डिप्रेशन में है, तो ऐसा मतलब डिप्रेशन को कैसे वो डील कर सकते, जो उनको लगता है कि ये डिप्रेशन है, ये जो तुमने बात कही है, तो जैसे अगर आपको लगता है किसी को कि डिप्रेशन में है या है तो फिर वो नॉर्मल है, मतलब ये एक जो चीजें घटनाएं घटती जो इस तरीके से होती है वो नॉर्मल आदमी के साथ होती है, वो डिप्रेशन में भी जाएगा, उसको एक्साइटमेंट भी होगा, है ना, तो जो ह्यूमन बीइंग है ना उसके जिससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे डिप्रेशन सीवियरिटी किसी चीज की खराब होती है, ये नॉर्मल सी चीज है। मैं एक दिन नेट पे देख रहा था अवध ओझा जी का, उन्होंने जो बड़े अच्छे आईएएस की कोचिंग कराते हैं अवध ओझा जी, तो उनका कहना था कि अगर डिप्रेशन है आपको, आप खुश होते हैं तो ये नॉर्मल चीज है, मैं भी ऐसा मानता हूँ, हो सकता है उन्होंने रिसर्च करी, मैंने तो नहीं करी, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है लाइफ में ये बोलता है कि ये सारी चीजें कॉमन है, हाँ लेकिन जब कहीं भी आपको एबनॉर्मलिटी लगने लगे तो जरूर अपने नियर एंड डियर वन से कंसल्ट करें या फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, बड़े सेक्रेटरी डॉक्टर, ह्यूमन बींग है हम लोग और कुछ प्रॉब्लम जीवन में होती है, उनका डट कर सामना करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, किसको प्रॉब्लम नहीं है, हाँ सीवियर नहीं होनी देनी चाहिए। एक बड़ी पुरानी कहावत है, एक दोहा है कि अधिका भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अधिका भला न बरसना, अति की भली न दूप, अति हजीत हर चीज की बुरी होती है। अगर आपको ज्यादा डिप्रेशन हो जाए तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम है, आप ज्यादा खुश हो गए तो प्रॉब्लम है ना, आप किसी भी चीज में अति कर दी, अति मतलब एक्सट्रीम, हाँ एक्सट्रीम लेवल, लिमिट को क्रॉस कर गए जो रिक्वायर्ड नहीं है किसी भी मतलब एंगल से अगर आप देखें, तो फिर वो जो है ना आपको हार्म करेगी, वो एक बैरियर होना चाहिए। और ऐसा मैं तो ये कहूँगा जितने भी अगर जितने भी व्यूअर्स आज देख लेंगे अगर ये हमारा कम्युनिकेशन तुम्हारा, तो कुछ फादर और सन कनेक्ट कर जाएंगे, कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग ना भी कनेक्ट करें वो एक अलग इशू, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने 23-24 साल का अपना प्रोफेशनल देखा है और मेरी लगभग 45 एज होने जा रही है, 45 प्लस का जो लगभग आधी जिंदगी तो जी ली है और बच्चों को भी पाल लिया है, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास ऊपर वाले ने तुम्हारे जैसे बेटे दिए हैं, दिव्यांशु है और मराबिनो है, तो अगर इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है कि बेटा अपने बाप से डिस्कशन कर रहा है, हो सकता है कलम किसी और मैटर पे डिस्कशन करे, तो इट्स रियली बड़ा करेजियस काम है। और मैं खुद जब तुमने मुझे बताया था तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसे इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, क्या होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि नहीं अगर बच्चे की इच्छा हुई है तो कुछ ऐसा किया जाए उसका हौसला भी बढ़े, डिपेंड ये नहीं करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक इंटरेक्शन हो गया तो जिंदगी की बाजी तो ना एक कदम तो हम और तुम आगे बढ़ गए। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, और अच्छे से जिम करो, तुम्हारे साथ के जितने लोग हैं जितना नॉलेज अच्छे से अच्छा दे पाओ, कभी किसी को गलत
नॉलेज मत दो, जितना सपोर्ट कर सको लोगों को। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितने भी हमारे लेवल के जो हमारे सर्किल में फ्रेंड सर्किल में जो दोस्त हैं, कि किसी का बच्चा म्यूजिक में है, किसी का स्पोर्ट्स में है, किसी का जिम में है, मैं कोशिश करते हैं लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, और लगभग सारे हमारे दोस्त उस राह पे चलते भी हैं। गवर्नमेंट भी इसमें बड़ा सपोर्ट करती है और हमारे गुरुओं ने का भी बड़ा हाथ रहा है उसमें। सो मुझे लगता है कि लंबा हो गया है लेकिन अच्छा लगा, किसी को लगा हो ना लगा हो, लेकिन हाँ एक मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिली है। सो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलो तो इस पॉडकास्ट को यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आप लोग को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, कि और जिन लोगों को डाउट्स हैं इस इन चीज़ों के बारे में जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए, वो शायद उन लोगों को अब क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से हम लोग को, मतलब जो कम्युनिकेशन गैप की प्रॉब्लम रहती है वो दोनों साइड से होती है, कि हम लोग के पेरेंट्स को भी उसमें थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा, और हमारी जो न्यू जेन ज़ी है उसको भी अपने पेरेंट्स तक अच्छे से कम्युनिकेशन करके उनको अपनी बात पहुंचानी होगी, ताकि वो आपके, मतलब आपको सपोर्ट कर सकें। तो इस पॉडकास्ट को यहीं भी करते हैं एंड। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बिल्ड मसल, स्टे हेल्दी।